हेलो स्टूडेंट, पॉलीनोमियल के इस पार्ट में हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और जहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन या फिर एक्सटेंशन जैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखिए, फैक्टराइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट लिखा गया है 9x² प्लस 6xy प्लस y². आप देखिए, अगर स्क्वायर के टर्म्स हैं और थ्री टर्म्स हैं तो आप यह ध्यान रखिए कि यह होल स्क्वायर होने के इसके चांसेस हैं, मतलब यह कुछ इस फॉर्मेट पे बेस्ड है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इसको आइडेंटिफाई करिए तो देखिए यह 3x का स्क्वायर है ना, 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x², और इसको देख रहे हैं यह वाई स्क्वायर तो है ही है ना, और इसको आप लिखना चाहें तो 2 times आप देखिए लिख सकते हैं 3x into y। तो देखिए किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 times ए इंटू बी। तो फाइनली देखिए यह होल स्क्वायर हो जाएगा किसका, 3x + y का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या आप दो बार लिख सकते हैं 3x + y, और दूसरे ब्रैकेट में भी कितना 3x + y। तो देखिए यह जो पहला पॉलीनोमियल था x और y में, इसको हम लोग फैक्टराइज कर पाए, और फैक्टर क्या आया, 3x + y एंड 3x + y। अब सेकेंड पार्ट पे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है x² - y² / 100। अगर आप देखेंगे तो देखिए एक आइडेंटिटी ये बताया था ना, a² - b² दिस इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। तो अब यहाँ पर देखिए यह क्या है, x का स्क्वायर है और इसको आप देख पा रहे हैं तो y/10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखिए a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे y/10 है, तो x - y/10 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + y/10। तो देखिए यह हम लोग इसको फैक्टराइजेशन इसका कर पाए। अब हम लोग तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, तो देखिए क्या है, 27y³ + 125z³। तो देखिए यह इस फॉर्मेट पे दिख रहा है ना, a³ + b³, तो यह किसका क्यूब है, 3y³ है, ठीक है, और यह देख रहे हैं तो 5z³ है। तो अब देखिए a के प्लेस पे 3y है और b के प्लेस पे 5z है, तो रिजल्ट क्या है, a + b, मतलब क्या, 3y + 5z, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब 3y का स्क्वायर कितना, 9y², b² मतलब 5z का स्क्वायर कितना, 25z² माइनस ab। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, a यह है, b है, तो 5 = 15yz। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया 3y + 5z एंड दूसरे ब्रैकेट में 9² + 25z² - 15yz। चलिए फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है, 64m³ - 343n³, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो यह 4 का क्यूब होता है 64, और m यह 4m का क्यूब हो गया, और यहाँ पर यह देखेंगे 7 का क्यूब है और 7n³ हो गया। तो देखिए एक आइडेंटिटी यह भी बताई गई थी, a³ - b³ दिस इज इक्वल टू a - b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, a² + b² + ab, ठीक है। तो आप देखिए इसको लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, a - b, मतलब क्या, 4m - 7n। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a², तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और m का 16m² प्लस 7 का स्क्वायर 49n² प्लस a × b, तो देखिए 7 × 4 = 28 और यम है। तो यह देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन कर पाए, क्या आ गया, 4m - 7n और दूसरे ब्रैकेट में 16m² + 49n² + 28m। तो यह देखिए जो कुछ आइडेंटिटीज थी, इसका यूज करके हम लोग ये जो गिवन क्वेश्चंस थे इनका फैक्टराइजेशन की। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पे कहा गया है कि बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड दिस। तो देखिए इसमें 103 का क्यूब हम लोग को निकालना है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। देखिए यह क्यूब है ना, तो इसका मतलब है होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, 100 + 3,
ऐसा रीजन यह है कि देखिए 100+3 क्यों लिखा, क्योंकि 100 का क्यूब कर पाना बहुत आसान होगा। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, a+b का होल क्यूब। तो क्या फार्मूला होता है, देखिए a+b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए प्लस बी का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस, अब देखिए 3 ab, ए मतलब कितना 100, बी की जगह कितना है 3 और ब्रैकेट में a+b। आप वैसे भी याद कर सकते हैं a³ + b³ 3ab² + 3ab² है ना। तो खैर ठीक है, हम लोग ऐसे लिखिए। अब इसका क्यूब करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 100 का क्यूब है ना, तो 260, 3 का क्यूब कितना हो गया यहाँ पर 27। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 900, 3 × 9 900, तो 900, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 103, तो आप यहाँ लिख दीजिए 103। अब देखिए ये कितना हो गया 1, 2, 4 और 6, 0। अब देखिए 27, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, 9 × 3 = 27, ठीक है, 9 × 0 = 0 तो 27 और यहाँ पर 9 और 2 0, ठीक है। अब इसको लोग ऐड कर लेते हैं, देखिए ऐड करेंगे तो 0 7 0 तो 7, 0 2 0 तो 2, ठीक है, 0 और यहाँ पर कितना 7, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 0 यहाँ पर कितना 2 और उसके बाद कितना 9, ये हम लोग जोड़ रहे हैं ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 3 6 प्लेस हो गया ना, यहाँ पे 5 प्लेस तो 1। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए जो आइडेंटिटी थी उसको यूज किया और बहुत ईजिली हम लोग निकाल पाए। अदरवाइज हम लोग 3 बार इसको मल्टीप्लाई करते ना, 103 × 103 × 103, तो देखते कि बहुत लंबा आता और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशन को आसान बना पाए। अब देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं, 99 का क्यूब है, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर देखिए इसको अगर आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं 100 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब, -b का होल क्यूब क्या, a³ - b³ - 3a × b ब्रेकेट में a-b, ठीक है। ये आइडेंटिटी है a-b का होल क्यूब। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 20460 - 1। अब ये देखिए हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे ना 300, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे 100 - 1 99। अब इसको देखिए यहाँ पर 1000000-1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 3 × 9 = 27, 2 0 तो पहले से है ना, 3 × 9 = 27 और 3 × 9 = 27, तो यह हो गया कितना 29, ठीक है, और यहाँ पर माइनस, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे, अभी कितना हो गया, तो देखिए यह हो गया 1000000 और ये देखिए माइनस है ना, तो यह हो गया 29701, यह हम लोग इसको निकाल लिए। अब इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए 10 है ना, 1 तो फिर 9 हो गया, यहाँ पर 10 तो 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना हो, 7 है ना, तो 2 हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया और उसके बाद 7 हो गया और उसके बाद यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। तो यह हम लोग निकाल पाए कितना 970299। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी थी उसका यूज किए और यूज करके यह एक्सटेंशन बहुत आसानी से फाइंड कर पाए, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई क्यूबॉयड है जिसका वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम का आप फिलहाल 20 से दिखाइए, ठीक है, दूसरे का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है 2x² - 2, पूछा गया कि इसके डायमेंशन क्या हो सकते हैं, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपको इसको 3 फैक्टर में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, यह x² - 1 हो गया है ना। आप इसको देखिए 2 इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसको इसके 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x + 1 और x - 1। अब ये देखिए यह जो वॉल्यूम यहाँ पे आप लिखे वह 3 के प्रोडक्ट में, मतलब l × b × h के फॉर्मेट का है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यह कह सकते हैं कि लेंथ इसकी 2 यूनिट हो सकती है, हो सकती है मतलब आप लेंथ किसी को भी ले सकते हैं, खैर हमने यह लिखा। और ब्रेथ इसकी पॉसिबल ब्रेथ क्या हो सकती है, एक्स प्लस 1 यूनिट, ठीक। और जो हाइट है वह तीसरा फैक्टर हाइट का काम करेगा, एक्स माइनस 1 यूनिट्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे वॉल्यूम होगा, तो आपको जो एक्सप्रेशन दिया है उसको फैक्टराइज करिए, 3 फैक्टर के फॉर्म में लिखिए और कंपेयर करके लेंथ ब्रेथ और हाइट लिखिए, मतलब ये पॉसिबल क्यूबॉइड का जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वह इतना पॉसिबल है। तो देखिए आज के पार्ट में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन देखा और साथ में आइडेंटिटी का सूटेबल यूज करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगा पाए और इस तरह के भी क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए। तो ये पॉलीनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने आइडेंटिटी का सूटेबल यूज करना सीखा। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।